बेटा जो फोर्थ सेम में आपकी बुक्स है ना मैथ की, वो तीन है, सीक्वेंस एंड सीरीज, दूसरी है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, और थर्ड है प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, जो ये पेपर है ना प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, इसमें आपकी प्रैक्टिकल भी होती है। ठीक है, और सीक्वेंस एंड सीरीज मैं कराऊंगी आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज का मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ एक बार, सीक्वेंस एंड सीरीज। आज सिर्फ मैं पेपर पैटर्न बताऊंगी आपको, और ये कि कितना सिलेक्शन निकलना चाहिए ताकि अच्छे नंबर आ जाए पेपर। देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपके पास टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर है बेटा इसका टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। सेकंड चैप्टर है आपके पास सीक्वेंस, थर्ड चैप्टर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज, फोर्थ चैप्टर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज, इसी का आगे और मेथड ऐड कर दिए इसमें, फोर्थ चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यू। फिफ्थ चैप्टर आपका अल्टरनेटिंग सीरीज, फिफ्थ चैप्टर अल्टरनेटिंग सीरीज, सिक्स चैप्टर आपका आर्बिट्रेरी सीरीज, आर्बिट्रेरी सीरीज, और सेवन चैप्टर बच्चों आपका इनफाइनाइट प्रोडक्ट, इनफाइनाइट प्रोडक्ट। ये सात चैप्टर है आपके सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, यूनिट किस तरह से डिवाइड की गई है, ये जो फर्स्ट यूनिट है ना वो अकेले फर्स्ट चैप्टर की है, ये है यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, उसके बाद सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज, ये दोनों चैप्टर जो है वो सेकेंड यूनिट में आते हैं, तो सेकेंड यूनिट वो भी आपकी सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो फोर्थ चैप्टर है ये अकेला है थर्ड यूनिट में, ये है थर्ड यूनिट, और फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ ये चैप्टर है आपके फोर्थ यूनिट, ये है आपके फोर्थ यूनिट। ठीक है, सिलेबस को इस तरह से चार यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद देखो दो पेपर पैटर्न हो सकते हैं, दोनों में बता देती हूँ आपको। एक तो ये हो सकता है जैसे अब की बार का जो इंस्ट्रक्शन आई हुई थी कोरोना के, उसमें कि आप 9 में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हो सकता है ऐसे आ जाए, है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, मतलब कोई बच्चा ये सोचे कि कम सिलेबस करके और हम पूरा पेपर कैसे कैसे अटेम्प्ट कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो यहाँ से एक चैप्टर कर लो आप टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, किसी बच्चे ने अगर फर्स्ट यूनिट मतलब सिर्फ फर्स्ट चैप्टर कर लिया ना, चैप्टर वन, तो उसके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए यहाँ से। ठीक है, 2 कंप्लीट हो गए बच्चों, फिर उसके बाद इसको भी रहने दो, यहाँ पे फोर्थ चैप्टर जो है आपके पास थर्ड यूनिट, फोर्थ चैप्टर अकेले की थर्ड यूनिट है, तो अगर किसी बच्चे ने थर्ड यूनिट कर ली मतलब फोर्थ चैप्टर कर लिया, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो गए, 9 में से टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए उस बच्चे के। ठीक है, अगर पेपर पैटर्न रहा आपके पास ये कि 9 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कंपलसरी का, कोई चक्कर नहीं है, तो उस केस में सिर्फ आप फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर करने से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते, 7 में से सिर्फ 2 चैप्टर। ठीक है, अब अगर मान लिया ये पेपर पैटर्न ना रहे आपका,
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये पेपर पैटर्न ना रहे जैसे पहले उठता था आपका पेपर पैटर्न, कि यूनिट वाइज आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और साथ में कंपलसरी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, तो वो और बता देती हूँ मैं उसके लिए आपको क्या मतलब कि कम सिलेबस करके और अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे वो और बता देती हूँ। ये आपका है, ये जो पेपर पैटर्न मैंने बताया है ये आपका अटेम्प्ट एनी फोर, अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन, ठीक है, उसके लिए सिर्फ दो चैप्टर करने हैं आपको, आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बच्चों कि जैसे फर्स्ट यूनिट से दो क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ये तो आ गया ना सबको समझ कि क्या करना है पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अगर अच्छा कोई बच्चा ये कहे कि नहीं हम फर्स्ट चैप्टर नहीं कर रहे, तो आपकी मर्जी है, इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यू भी है तो आप करोगे ये करोगे तो फिर सेकेंड और थर्ड कर लो यहाँ से। अगर मान लिया किसी बच्चे को फर्स्ट चैप्टर मुश्किल लग रहा है, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को फर्स्ट चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर मुश्किल लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये तो आप कर ही रहे हो इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यू, तो इनफाइनाइट सीरीज कर रहे हो तो उसके लिए सीरीज तो आपको वैसे पता होनी ही चाहिए है ना, तो कुछ मेथड और मिलेंगे इसमें इनफाइनाइट सीरीज में, दो ही एक्सरसाइज है बस, तो आप ये कर लो यहाँ से और एक सिक्वेंस वाला टॉपिक कर लो, तो आप ये भी कर सकते हो। इसी पेपर पैटर्न के लिए आप ये भी कर सकते हो, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, ठीक है, मतलब चैप्टर सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये भी कर सकते हो, यहाँ से भी आपके चार के चार क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे नौ में से, ठीक है। उसके बाद यूनिट वाइज अगर ये आ जाए कि हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और साथ में कंपलसरी भी अटेम्प्ट करो, तो उसके लिए क्या रहेगा, देखो फर्स्ट यूनिट से आएंगे आपके यूनिट में क्वेश्चन फर्स्ट का ए और बी पार्ट, और में आएगा बेटा क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट और बी पार्ट, तो ये आएगा आपका फर्स्ट यूनिट से, ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट से दो क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको पेपर में एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट यहाँ से देखो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर इसकी है, तो इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज देंगे कितनी है, चार एक्सरसाइज है ना, तो इसमें तीन तो करनी ही पड़ेगी, तीन तो करनी ही पड़ेगी, तो यहां से एक एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हो, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ये एक्सरसाइज कर लो, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज दो चैप्टर है सेकंड यूनिट से, तो यहाँ से जब सेकंड यूनिट आप करोगे तो सेकंड यूनिट से आपके दो क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन, थर्ड का ए पार्ट बी पार्ट और क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट और बी पार्ट, ये अब सेकंड यूनिट सेकंड और थर्ड चैप्टर से कंप्लीट हो रही है ना, तो यहाँ से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ से सिर्फ सीक्वेंस वाला चैप्टर कर लो, इनफाइनाइट सीरीज को छोड़ सकते, तो यहाँ से अगर आपने कौन सा कर लिया सेकंड चैप्टर अगर कंप्लीट कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होगा। मैं ऐसा नहीं होता जैसे थर्ड का ए पार्ट तो सेकंड चैप्टर से, लेकिन बी थर्ड से बेटा देखो वैसे एक बात बताऊँ, सिलेबस तो हम कोशिश करेंगे कंप्लीट ही करेंगे ना, अगर हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आप कंप्लीट करो, बट ये जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि पूरा नहीं कर सकते हम, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सिलेबस कर लें और नंबर भी हमारे अच्छे आ जाए, तो ये उन बच्चों के लिए, ठीक है ना, बाकी हम थर्ड चैप्टर भी करेंगे तो आप थर्ड चैप्टर भी कर सकते हो।
लेकिन अब तक ऐसा ही होता रहा है, मतलब 100% नहीं बोल सकते बट 90% है कि सीक्वेंस से आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड चैप्टर करो आप, उसके बाद आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट बी पार्ट और क्वेश्चन 6 का ए पार्ट और बी पार्ट। ये अब जो यूनिट थर्ड है वो फोर्थ चैप्टर से कंप्लीट होती है ना, तो फोर्थ चैप्टर में 7 एक्सरसाइज है, 7 में से आप 5 एक्सरसाइज कर लो, आपका ये क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.12 है, 4.5। ठीक है, उसके बाद फोर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट में क्या आएगा, क्वेश्चन 7 का ए पार्ट बी पार्ट और क्वेश्चन 8 का भी ए पार्ट और बी पार्ट। अब जो ये फोर्थ यूनिट आपकी ये है, इन तीनों चैप्टर से कंप्लीट हो गई। आप यहाँ से करो फिफ्थ चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, 5.5 बस। यहाँ से करो आर्बिट्रेरी सीरीज, इसमें शायद 2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आप यहाँ से करो, फिफ्थ और सिक्स, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन 9 जो है आपका कंपल्सरी, ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, इसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो उसमें उसके लिए आप क्या करोगे, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर आप कर चुके हो, 3 एक्सरसाइज, 3 बताइए ना, 3 एक्सरसाइज आपने कर ली, तो एक एक्सरसाइज रहती है 1.4, उसमें जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है या जो डेफिनेशन है बस, जो दो दो नंबर में आ सकते हैं, 2-4 मिलेंगे बस, वो कर लेना। ठीक है, हो गया फर्स्ट कंप्लीट। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड, सेकंड आप कर ही रहे हो सीक्वेंस का, थर्ड चैप्टर के बस कुछ थ्योरम्स होंगी, उनकी स्टेटमेंट याद कर लेना, और जो बिल्कुल दो दो नंबर में जो क्वेश्चन आ सकते हैं कमी मिलेंगे वो कर लेना। फिर इनफाइनाइट सीरीज, ये तो आप कर ही रहे हो 5 एक्सरसाइज 7 में से, है ना, तो बाकी की जो 2 एक्सरसाइज बची उनकी सिर्फ थ्योरम, कुछ नहीं करना, सिर्फ थ्योरम है, 2 नेमिंग थ्योरम मिलेंगी, उनकी सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद रख लेनी है। जैसे 4.1 है, 4.1 में है डी ए लंबर्स रेशियो टेस्ट, तो अगर पेपर में आ गया 2 नंबर में स्टेट डी ए लंबर्स रेशियो टेस्ट, तो आपको अगर स्टेटमेंट याद है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे 4.6 और 4.7 की जो थ्योरम है नेमिंग थ्योरम, उनकी आपको स्टेटमेंट याद रख लेनी है, 2 नंबर में हो सकता है वो आ जाए। फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज आप कर रहे हो, आर्बिट्रेरी सीरीज भी कर रहे हो, एक चैप्टर बचा इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स, है ना, इसमें भी जो डेफिनेशन होंगी 2-4 मिलेंगे बस, वो डेफिनेशन याद कर लेना, आपका 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, तो अगर पेपर पैटर्न ये आ जाता है कि यूनिट में से, हर यूनिट में से आप एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और कंपलसरी क्वेश्चन भी कर लें, कोई मतलब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, तो उस केस में आपको क्या करना है 1.1, 2, 3। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर करना है, उसके बाद 4.1 से 4.5 तक करना है, और 5 और 6 उसमें आप ये आप चाहो तो ये स्किप कर सकते हो, 7th चैप्टर यहाँ पे ये वाला चैप्टर, और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 और यहाँ पे 4.6 और 4.7, तो ये रहेगा आपका पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज का सिलेबस।